आपका क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ठीक है नाउ, तो इसने क्या कहा वो हम देख लेते हैं। पहले इसने कहा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम क्या करेंगे, ये जो पॉलीनोमियल दे रखा है इसको दैट इज इक्वल टू जीरो, सिंपल है, तो हम सेम चीज करते हैं। तो इसने कहा 6x² प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब हम इसको स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स निकालेंगे और वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां पर देखो 6 × 2 इज 12, तो हमारा आ गया 12। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, जो आपको क्या करना है, 1 बनाना है, क्योंकि सेंटर टर्म इज 1, कोएफिशिएंट इज 1, तो आप लोगे 3 और 4, क्योंकि ये दोनों का प्लस एंड माइनस इज 1, तो प्लस 1 बनाना है, तो हम इसको ले लेंगे प्लस 4 और इसको ले लेंगे माइनस 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस 3x प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने सेंटर टर्म्स को स्प्लिट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए एंड सी। ठीक है नाउ, तो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट दो टर्म्स में देखो क्या है आपका, 3x इज कॉमन, तो आपने लिख दिया यहां पर 3x, तो आपका आ गया 2x माइनस 1। ठीक है, और 3 और 4 को देखोगे तो 2 इज कॉमन। ठीक है, तो हमने लिख दिया प्लस 2 और ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाला ले लो, आपका आ जाएगा 3x प्लस 2, बाहर वाला है ये, और अंदर वाला आ जाएगा 2x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0। दैट मींस आपका दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो आपका आ गया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये वाला आ गया आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आपका, 3x इज इक्वल टू माइनस 2, यहां से 2 इस साइड में गया और माइनस 1 इस साइड में जाएगा तो 1, तो आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है नाउ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, और यहां पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 बाई, तो आपके दो वैल्यूज x की निकल के आ गई, है ना। तो क्या क्या होगी, एक को आपको अल्फा लेना है, दूसरे को आपको बीटा लेना है, बस। तो हमने पहले वाले को ले लिया अल्फा और दूसरे वाले को ले लिया बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, बीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा क्या है, अल्फा इज माइनस 2 बाई 3, तो सेम चीज हम लिखते हैं माइनस 2 बाई 3 बाई बीटा, बीटा इज 1 बाई 2, 1 बाई 2 प्लस नेक्स्ट बीटा इज 1 बाई 2 बाई अल्फा इज माइनस 2 बाई 3। नाउ आउटर टू आउटर, इनर टू इनर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मींस बाहर का और अंदर का अंदर, यहां पर भी सेम आपका आउटर टू आउटर इनर टू इनर, तो आपका क्या आएगा, देखो माइनस 2 इंटू 2, माइनस 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 1,
प्लस आउटर इज 3 into 1 बाई -2 into 2, तो आपका आ जाएगा -4/3, तो आपका आ गया -4/3, और यहां का माइनस ऊपर की तरफ जाएगा तो आगे ना आ जाएगा आपका -3/4, दोनों जगह माइनस आ गया। नीचे का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा आपका 12 इज द एलसीएम, तो यहां पर क्या है 3, यानी 4 times 4 into 4 is 16, तो आपका आ गया -16, और यहां पर आ गया -3, 3 into 3 is 9, तो आपका आ गया -25/12 इज योर आंसर फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है।